ओके? अटेंशन ऑल द मेन इन द हाउस, आप सबको बाहर जाना होगा। हमें लेडीज फंक्शन शुरू करना है, तो प्लीज आप सब बाहर जाइए। चलो बच्चे लोग बाहर जाओ। विवान चलो 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 भाई बाहर जाओ। अरे एक सेकंड, ये क्या बात हुई? पापा चाचा यहाँ पे रह सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं। भाई हम लोग पापा और चाचा वाली कैटेगरी में, तुम लोग भी जल्दी जल्दी पापा बन जाओ, फिर तुम लोग भी हमारे जैसे रुक सकते हो यहाँ पे। अरे लेकिन मैं तो बनने वाला हूँ ना। तो सबसे पहले बाहर निकल। गजेंद्र, गिरिराज, आरव, सुना नहीं तुमने? चलो सब बाहर चलो बेटा, आप लोग भी चलिए। हाँ आप भी चाहिए। अच्छा पापा ताऊ जी चलिए चलिए। हाँ ठीक है, सब यंग बॉयज को बाहर जाना है। चलो चलो चलो। सिमर ने सारे इंतजाम कितने अच्छे से संभाले हैं। और देखिए ना मेरी अद्दू कितनी खुश लग रही है, और सुंदर भी। हमारी परफेक्ट सिमर की तरह यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट ही है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं अदिति, ये जो तुम्हारी चूड़ियों की खनक है ना, ये जब बच्चे के कान तक पड़ती है ना तो बच्चा बहुत खुश होता है। ट्राई करके देखो। भाभी लेकिन मेरे पास तो वैसे भी कितनी सारी चूड़ियां हैं। कुछ ठीक नहीं हो रहा। आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या करेंगे? अरे छोटे 2.2 तो रुकना, करेंगे। कैसे करेंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है मतलब ये कि अभी तो तुम्हारा टाइम है, जाओ ऐश करो यार। है? अरे हम लोगों ने जवानी में क्या क्या नहीं किया था। जाओ जाओ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे तो हम बढ़ रहे हैं, बस एक बार अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। सुरंग चलो चलो चलो। तो ये साड़ी, ये श्रृंगार, ये तुमने कहाँ से चुना? बड़ी माँ आपकी तस्वीर देखी थी। मतलब तुमने हमारी नकल की? नहीं नहीं बड़ी माँ, नकल नहीं, प्रेरणा। आपकी क्लासिकल तस्वीर को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई, और वैसे भी मुझे कोई ट्रेडिशन सिखाने वाला तो है नहीं, और आप मुझसे नाराज भी है ना, तो मैंने सोचा कि माँ जैसे भी है, ये बेचारी पूरे दिल से हमारे घर के संस्कृति संस्कार को अपनाने की कोशिश कर रही है। माँ इसकी कोशिश को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हाँ बड़ी माँ, देखिए ना इशिता ने आदिति को कितना सुंदर तैयार किया है। सच में इशिता तुमने हमें सरप्राइज कर दिया। एक मिनट, हर आभूषण, हर पोशाक, हर श्रृंगार का एक महत्व होता है, एक वजह होती है। तुम समझती हो ये सब या बस ऐसे ही कॉपी कर लिया? जी बड़ी माँ मुझे पता है। अच्छा। हाथ का कंगन और उसके धातु का मतलब होता है कि हमारे हाथ जब भी उठे हमेशा दूसरों की मदद के लिए उठे, अच्छे कामों के लिए उठे। आँखों का काजल हमें सिखाता है कि अपने मन की कालिख को देखो, दूसरों की नहीं। वैसे बड़ी माँ इशिता की इस कोशिश और नॉलेज को हमें फुल मार्क्स देना चाहिए। देखिए ना अदिति बिल्कुल आपकी छवि लग रही है, उस पर से तो नजर ही नहीं हट रही। और इशिता को अच्छे से पता है कि उसने ये साज श्रृंगार क्यों किया है ना। बड़ी माँ आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो मैंने जो भी किया दिल से किया है, और बस यही आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रयास नज़र आए। मैं आपके रीति रिवाज में ढलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ बड़ी माँ। बेटा रिवाजों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत और परिवार की इज्जत करना होता है। वेल डन इशिता, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिल एकदम सही जगह पे। थैंक्स टू यू सिमर भाभी, आपने मुझे इंस्पायर किया। इसी खुशी के मौके पे थोड़ा सा नाच गाना हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, नृत्य तो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जरूर। भाभी म्यूजिक सिस्टम होगा कहीं पे? इशिता वैसे म्यूजिक सिस्टम की क्या जरूरत है, इंटरनेट ब्लूटूथ है ना, उससे कनेक्ट कर लेते हैं। गुड आइडिया। मेरे पास ना सॉन्ग्स की पूरी पूरी लिस्ट है, मैं ब्लूटूथ से स्पीकर कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं एक बार आती हूँ। एक रास्ता है क्या? कौन सा? खिड़की से सीधे हॉल में पहुंच सकते हैं। अच्छा वहां से चलो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो खिड़की खुलती नहीं है। हम खोल देंगे। खोल देंगे। खोल देंगे। मना किया था ना, वो सफोकेशन होता बड़ी माँ, ताजी हवा लेने। हाँ हाँ वो स्ट्रेचिंग पावर ही होगा। अब आ ही गए हो तो सजा मिलेगी, नाचना पड़ेगा। यस। और बाकी के सब कहाँ है? बुलाओ बुलाओ उन्हें भी अंदर। आइए आइए आइए। बड़ी मैंने बुला लिया था। थैंक यू। आइए 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 आइए। अब ये बैक आइए। नमस्ते जी, आइए आप भी, आइए आइए आइए। एक बात कह रहे हैं, इशिता सबके साथ घुल मिल रही है, हमें अच्छा लगा। यार तू ना मत ही पूछ मेरे से, मेरे ससुराल वाले ना सबके सब पागल हैं। ब्रिटिश 16th सेंचुरी में अटके हुए हैं, बोरिंग बुड्ढे गवार लोग। I swear, अगर तू यहाँ के फंक्शंस में आ गई ना, 10 गुना ज्यादा हैरान हो जाएगी। चोर गोद भराई, समथिंग लाइक दैट, कोई फंक्शन है जिसमें ये लोग उसका लुक देख के, जो मैंने ही क्रिएट किया, यू नो, ऐसे उछले जा रहे हैं, ऐसे उछले जा रहे हैं कि ओ माय गॉड, जबकि इन रियलिटी पूरी की पूरी कार्टून लग रही है। वो इन्हें लगता है कि मैं इशिता इनके इस ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट माय फुट। अच्छा सुनना, मैं तेरे को करती हूँ थोड़ी देर में, पता नहीं मुझे लोग, ये लोग ढूंढ रहे होंगे। आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? ब्लूटूथ से कनेक्टेड स्पीकर से कहीं मेरी बातें तो नहीं सुन ली सबने? इशिता क्या है भाभी? ए लड़की, हर बार साबित कर देती हूँ कि तुम्हें हमारे घर की बहू बनाकर हमने कितनी बड़ी गलती की। तुम जैसी बददिमाग, बदतमीज लड़की इस लायक ही नहीं कि किसी संस्कारी परिवार का हिस्सा बने। और आज तो तुमने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। हमारा घर, हमारे परंपराओं का ऐसा उपहास, हमारी अदिति के शगुन दिवस का इस तरह मजाक, हर बात का तमाशा बनाकर तुमने हमारे इंदू जी की, प्रोफेसर साहब और यहाँ सारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। लेकिन बड़ी माँ, इसने कोशिश तो की ना। कोशिश दिल से की जाती, जबरदस्ती नहीं चाची जी। काम करके उसका मजाक उड़ाना कहाँ की नियत हुई चाची जी? अगर इशिता को हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशन में इंटरेस्ट नहीं था तो उसे इस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था चाची जी। किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा कर क्या दिया लेकिन मैंने? मैं अपने दिल की बात अपनी दोस्त से कर रही थी। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? अपनी संस्कृति को दिल से अपनाना और दिखावा करना दो अलग चीज होती है इशिता। अच्छा, आपके फालतू की भाषणबाजी, फालतू के ढकोसले मुझे सिर्फ इसलिए सुनने पड़ते क्योंकि अब मैं इस घर की नई बहू हूं। और एक लड़की का बहू बनते ही उसकी खुद की लाइफ, पर्सनैलिटी, व्यू सब खत्म हो जाते हैं ना। जिस चीज को मैं पिछले 20 साल से जीती आ रही हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए खत्म कर दूं क्योंकि अब मैं बहू बन चुकी हूँ। वेरी नाइस। इशिता, तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए किसी ने नहीं कहा। बात सिर्फ इतनी सी है इशिता कि अगर हम तुम्हारे मॉडर्न होने के साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें भी हमारे ट्रेडिशन के साथ एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट कहना आसान होता है सिमर भाभी, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। माँ, समझाओ अपनी प्यारी बहू को। माफी मांगकर बात रफा दफा करने की जगह तो और बढ़ाई जा रही है। ऐसा तो खुद ही फंस जाएगी है। आप इस फैमिली के ट्रेडिशंस को इसलिए फॉलो कर पा रही है क्योंकि आप पहले से ही ऐसी हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। चलिए मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरा फैशन अपना लीजिए, क्या आपके लिए आसान होगा? आप वो अपना बोरिंग सा क्लासलेस फैशन छोड़ के मेरे हैपनिंग स्टाइल को अपना पाएंगी, कर पाएंगी अडॉप्ट? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इशिता? कि मुझ जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी लड़कियां जो ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती वो क्लासलेस? मुझे तो यही लगता है, और अगर नहीं तो फिर मुझे गलत साबित करके दिखाइए। तुम भी किससे बहस कर रही हो सिमर? इस लड़की की फजूल बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। क्या हुआ सिमर भाभी, डर गई? चलिए आज मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ। आपको तो क्या, यहाँ खड़े सभी लोगों को ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप सब लोग मेरा फैशन, मेरा स्टाइल, मेरा कल्चर फॉलो करके दिखाइए। और तब तक आगे कुछ भी मत बोलिएगा, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे। निकलिए ना अपने कंफर्ट जोन से। लेट्स प्ले इट फेयर भाभी। एक काम करते हैं, एक फैशन शो रखते हैं जिसमें आपकी ये दकियानूसी आउटडेटेड टीम मुझे गलत साबित करके दिखाएंगी। और अगर इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं सबके सामने सिमर भाभी से माफी मांगूंगी। कर लूंगी मैं अपनी हार एक्सेप्ट। बस, बहुत हो गया तमाशा। क्या सही है और क्या गलत, इसे साबित करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए हमें कोई फैशन शो वो करने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ की भक्त प्यारी सिमर भाभी, हिम्मत है बड़ी माँ के पल्लू से बाहर निकलने की और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की? बोलिए। और अगर नहीं तो आइंदा से मुझे अपने फालतू के लेक्चर मत दीजिएगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ इशिता। मॉम, ये तो हमसे भी दो कदम आगे की सोचती है। बस की सीमा फांस इसके जाल में। ये तुम क्या कर रही हो सिमर बेटा? उसने तुम्हें उकसाया और तुमने हाँ बोल दिया? क्या तुम इसकी चाल ढाल से अच्छी तरह वाकिफ नहीं, अभी तक नहीं समझ पाई हो? आज जो कुछ भी हुआ उस तमाशे का बदला लेने के इरादे से ये फैशन शो रखवा रही है। हम समझते हैं। बड़ी माँ, मेरा यकीन मानिए, मैंने ये चैलेंज किसी को गलत साबित करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि ये सही साबित करने के लिए किया कि हमारा जड़ों से जुड़े रहना, अपने संस्कारों को सबसे ऊपर रखना कोई गलत या क्लासलेस बात नहीं है। बड़ी माँ, मैं आपसे वादा करती इस फैशन शो में ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमारे घर के नाम पर बदनामी या कलंक लाए। मेरा विश्वास कीजिए बड़े, मैंने ये सब इशिता जैसे भटके हुए नौजवानों के लिए किया जिन्हें वेस्टर्न कल्चर तो बहुत कूल लगता है बड़ी मां, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर ओरिंग और दकियानूस ही लगता है। बड़ी मां, इनके कपड़े छोटे हो सकते लेकिन हमारी सोच नहीं। बड़ी मां, मुझे बस ये सब करने के लिए आपका साथ चाहिए। नहीं सिमर बेटा, हम इस बेहूदगी का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे, ना इस लड़की की इतनी औकात है और ना ही इतनी अहमियत कि हम इसकी बेसिर पैर की बातों पर तवज्जो दें। तुम इसकी चाल में फंस गई हो, हम नहीं। बड़ी मां, घबराओ मत समर, मैं तुम्हारे साथ हूं। विशु, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिमर भाभी, मैं आपके साथ हूं। हम भी वेरी वेल। आप सब लोग फैशन शो में इनवाइटेड हैं। फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन विनर है और कौन लूजर। आइएगा जरूर।